नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भूवन शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ के गोमती नगर स्थित पिकअप भवन में बुधवार शाम लगी भीषण आग में औद्योगिक विकास विभाग, यूपी एसआईडीसी, वन विभाग, एड्स कंट्रोल विभाग समेत कई दफ्तर जलकर राख हो गए। ये बताया जा रहा है कि इन दफ्तरों में रखी गई कई महत्वपूर्ण फाइलें भी जल गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर नाराजगी जताते हुए जांच कमेटी गठित कर 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। सीएम ने अग्निकांड को गंभीरता से लेते हुए एडीजी इंटेलिजेंस एसपी शिरोडकर, यूपी एसआईडीसी के संयुक्त प्रबंध निदेशक पीके पांडे और लखनऊ के चीफ फायर अफसर विजय कुमार सिंह की 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी। ये कमेटी आग लगने के कारणों के अलावा इस हादसे की जिम्मेदारी भी तय करेगी। तो कई महत्वपूर्ण फाइल्स और दस्तावेज जल गए हैं। पिकअप भवन अग्निकांड पर मुख्यमंत्री नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने रिपोर्ट 48 घंटे में मांगी है। एडीजी समेत 3 सदस्यीय अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई है जो उनको रिपोर्ट देगी। सरकारी विभागों के कई दफ्तर हैं। क्या साजिश की आशंका इसके पीछे देख रहा है मुख्यमंत्री, यह अब एक बड़ा सवाल है। और आग लगने के कारण क्या रहे, किसने ये आग लगाई, फिलहाल इन सब सवालों के जवाब 48 घंटे में रिपोर्ट में देने को कहे गए हैं। किसान मंडी की कई महत्वपूर्ण फाइलें इस अग्निकांड में जल गई हैं। दरअसल गोमती नगर स्थित पिकअप भवन के ए ब्लॉक में बुधवार शाम दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई थी। आग देखते देखते इमारत की 6ठी मंजिल तक दफ्तरों तक फैली। इसकी चपेट में कई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज राख हो गए थे। दमकल की 18 गाड़ियों ने लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पहली नजर में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल 48 घंटे में एक रिपोर्ट देने को कहा है, जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री की तरफ से। तो गोमती नगर उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, जहां के पिकअप भवन में जहां सरकारी दफ्तर हैं वहां पर भीषण आग लग गई। औद्योगिक विकास विभाग का दफ्तर है, यूपीएसआईडीसी, वन विभाग, एड्स कंट्रोल विभाग समेत कई दफ्तर जलकर राख हो गए। यह बताया जा रहा है कि इन दफ्तरों में रखी गई कई महत्वपूर्ण फाइलें भी जलकर नष्ट हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अग्निकांड को लेकर, इस हादसे को लेकर नाराजगी जताई है। और हमारे संवाददाता लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, 48 घंटे में आग लगने के कारण पर रिपोर्ट मांगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्या इसके पीछे किसी साजिश की आशंका मुख्यमंत्री देख रहे हैं? देखिए, जिस भवन में आग लगी थी वो करीब 9 फ्लोर की, जिसमें सरकार की कई महत्वपूर्ण विभागों की ऑफिस है, और पर्यावरण, जैव विविधता, पिकअप और इसके अलावा ईटी टू कलेक्टी जो उत्तर प्रदेश अभिजन सेवा चयन आयोग जो भर्ती करता है उसकी आपसे है, तथा इसके अलावा कई और आपसे फाइनेंस के भी आपसे हैं, पर्यावरण से संबंधित आपसे हैं, उन आपसों में आग लगी थी। बीते सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन आपसों का आगे का आदेश दिया था और आज से उन आपसों की आगे होनी थी, क्योंकि देर शाम को आग लगी। आग से करीब 3 घंटे के बाद काबू पाया गया। कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जो फाइल थी, जो पत्रावली थी, वो जल के राख हो गई है। इसी की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी जोन को एक कमेटी बना करके 48 घंटे में जांच करके रिपोर्ट मांगी है, जिसमें एडीजी जो अग्नि सेवा से हैं, फायर के एसबी सौरकर और एडीजी जोन राजीव कृष्णा के अलावा संबंधित विभाग के औद्योगिक विकास के विशेष सचिव जो एनपी पांडे थे, 3 लोगों की कमेटी बनाई है और 40 घंटे में रिपोर्ट मांगी, क्योंकि मामला ऑडिट से जुड़ा हुआ था। ऑडिट की जांच के आदेश दिए थे। अब ऑडिट शुरू होने से 1 दिन पहले यानी शाम को आग लग जाती है और करीब 4 विभागों की पत्रावली जल करके खाक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात को और बल देता है कि ऑडिट के डर से शायद
ये ऐसा तो नहीं कि आग लग गई, आग लगवाई गई तो फाइलें नष्ट हो जाए, जो ऑडिट में कुछ अधिकारी या कर्मचारी या विभाग फंसता नजर आ रहा था और आग लगने के बाद वो फाइलें जल के खाक हो गई हैं। शायद यही मामला था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान लिया है और 48 घंटे में रिपोर्ट ही नहीं मांगी है, कहा है कार्रवाई करके अवगत कराइए, जो भी दोषी हो सबसे कार्रवाई करिए और 48 घंटे में पूरी पत्रावली जो रिपोर्ट जो जाँच की जाए वो सामने पेश किया जाए किस कारण से आग लगी है। तो कहीं ना कहीं आगे के डर से आग लगी ये बात सामने आ रही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की और कार्रवाई के आदेश दिए। रोहन बिल्कुल। और पंकज, इससे पहले हम देखें स्वास्थ्य भवन और जो शक्ति भवन का कॉरपोरेट सेक्शन है वहां पर भी आग लगी थी। जो सरकारी महकमे या विभाग हैं उनके ऑफिस में आग लगना ये कहीं ना कहीं और जो पूर्व में घटनाएं हुई हाल फिलहाल में इशारा तो इसी ओर कर रहे हैं। तो लगता है कि कोई बड़ी कामयाबी इस अग्निकांड के बाद जांच में हासिल हो सकती है, क्योंकि जिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आपने बात की उसमें भी भर्ती को लेकर घोटाले के कई आरोप सामने आते रहे। जी, भर्ती को लेकर के कई सारे आरोप भी आते रहे हैं, कई सारी भर्तियां एसटीएफ के रडार पे होने के कारण कैंसिल हुई, कई पे लेक हुआ, कई खामी आई, तो यूपीएससी भर्ती पे भी धांधली के आरोप थे और कई सारी परीक्षाएं या रिजल्ट में अनिश्चितता आई है उसकी भी आपसे है और आगे में वो भी फंस रहा था। तो जो आज की बात है तो एक पहला भवन है, इससे पहले बापू भवन जहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन के कई सारे प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव मंत्री बैठते हैं, स्वास्थ्य भवन है, बिजली विभाग का जो सबसे बड़ा ऑफिसियल जहाँ चेयरमैन से लेकर डीएमडी तक बैठते हैं, उन आपसों में आग लग चुकी है और फाइलें नष्ट हो चुकी है। हर आपसों में जाँच के आगे भी आते हैं, नतीजे फिर वही आते हैं कि छोटे मोटे जो अधिकारी होते हैं उन पे कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जाँच भी करते हैं और जो जाँच में जब कार्रवाई की बात आती है तो वही बड़े अधिकारी होते हैं, क्योंकि आईएएस और आईपीएस के पास जांच के लिए कार्रवाई करने के लिए संबंधित फाइल जाती है, लेकिन वो अपने को बच निकलते हैं, छोटे छोटे जो कर्मचारी होते हैं छोटे पदों के होते हैं उनको बलि का बकरा बना करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अब देखना होगा जो पृथक भवन के जिन महत्वपूर्ण फाइलों में आग लगी है उसने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे में रिपोर्ट और कार्रवाई की बात की है, देखना ये होगा उसमें किन किन की अधिकारी या कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, क्या इसमें भी छोटे मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके स्त्री करके मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, कि इसमें जो महत्वपूर्ण विभाग है पर्यावरण जो एनओसी बड़े बड़े कारखानों को देती है, यूपी की पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की सारी औद्योगिक विकास जो सर जो सबसे बड़ा विभाग है यूपी एसआईडीसी वो भी यहीं पे उसके आपसे हैं, तो कहीं ना कहीं घोटाले की आशंका से। चलिए 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 पंकज, आप नजर बनाए रखें, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि इस तरह की कई आग की खबरें सरकारी विभागों में पहले भी आती रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कावड़ यात्रा में डीजे और माइक पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन डीजे पर सिर्फ भजन बजेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले और मंडल के पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को कांवड़ यात्रा को लेकर कई सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी कि कांवड़ की व्यवस्था के बारे में सभी अधिकारी कुंभ से सीख लें। सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय रहते शिवालयों की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए और हर शिवालय पर सुरक्षा के साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा में पहले की तरह डीजे और माइक पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, स्थानीय अधिकारी ये सुनिश्चित कराएंगे कि इनसे सिर्फ भजन ही बजे, फिल्मी और अश्लील गाने ना बजने पाए। इसके साथ ही डीजे की आवाज़ कम रहे, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की लगातार साजिश रच रहे हैं, इनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देना। जो लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपकी कार्रवाई का दायरा अराजकता फैलाने वालों तक नहीं बल्कि उनको संरक्षण देने वालों तक होना चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी इस वक्त लखनऊ से सीधा जुड़ रहा है। पंकज, कांवड़ यात्रा कहें कि एक बड़ा धार्मिक का अनुष्ठान, एक आयोजन और जिसमें सुरक्षा को लेकर तो निगाह रहती ही है और व्यवस्था पर नज़र रहती है, लेकिन
कई सारी बातें थी, कई सारे मुद्दे थे जो कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए हैं, जिनको बार बार उठाया जाता था, जिसमें डीजे एक बड़ा मुद्दा था और ये माना जा रहा था कि इसको लेकर हो सकता है किसी तरह की सख्ती के आदेश दे दिए जाएं। लेकिन डीजे बजाने पर जो है मुख्यमंत्री ने अपना, हम कहें कि एक तरह से उसमें किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह दिया है कि जो आवाज़ है वो कम रहेगी। और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बीते सालों में जो डीजे था या और ऐसी चीज़ें थी उस पर पिछली सरकारों ने बैन लगा रखा था, और योगी आदित्यनाथ की सरकार जब आई थी 2017 में तो इस बात का जिक्र किया था कि डीजे और जो भी है उसके साथ जो कांवड़ यात्रा लेकर के जाते हैं, डीजे बैंड बाजा या बाजा वगैरह, वो लेकर के जा सकते, लेकिन बीच में कुछ कारणों से इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम और एसएसपी को सीधे निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पे जो प्रतिबंध लगा था वो नहीं रहेगा, बशर्ते उसमें गंदे और जो गाने होंगे वो नहीं बजेंगे, भजन जो है वो बजते रहेंगे और उसकी जो आवाज़ होगी वो थोड़ी कम होगी। इसके अलावा सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त के निर्देश दिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा कई राज्यों से होकर के गुजरती है, खासकर उत्तराखंड जाती है, उसको देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी अहम होता है, कई संवेदनशील जिले आते हैं, वहाँ के एसएसपी और डीएम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि ऐसी कोई असामाजिक तत्व कांवड़ के भेष में कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश न करे, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि इस यात्रा के जरिए वो भी शामिल होकर के और संप्रदाय का तूल देने की या संप्रदाय तरीके से उसको जोड़ देने की बात होती है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए साहब निर्देश दिया कि ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ा जाए जो कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश कर। इसके अलावा सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त, उनकी जो व्यवस्था है जिस रोड पे वो जाएंगे वहाँ पे ट्रैफिक प्लान को लेकर के भी निर्देश दिए हैं कि उसमें या तो ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया जाए या कांवड़ियों के लिए जो रास्ता है वो बनाया जाए अलग, थोड़ा उसी रोड पे उनको अलग से स्पेस दिया जाए। इन सब चीज़ों को लिए निर्देश दिए हैं। अभी बीते दिनों उत्तराखंड में 7 राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें इस पूरे खाके को तैयार किया गया था, क्योंकि खासकर धार्मिक चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय रहते हैं। बनारस, काशी, वृंदावन, अयोध्या, आपने देखा ही होगा जो भी चीज़ें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। अब कांवड़ यात्रा को लेकर के एक बार फिर से अपने एजेंडे को धार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल और किया है। जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि कितने गंभीर, संजीदा और सक्रिय हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी किए। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम बातचीत के लिए। उधर सरकारी विभागों से जुड़ा, अगर आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं या फिर अन्य कोई दिक्कत है, तो अब आप अपनी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर कर समस्या का समाधान करा सकते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत लोकभवन में वो करेंगे। इस हेल्पलाइन के शुरू होने के बाद प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1076 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है। हेल्पलाइन पर कोई भी शिकायत करने के बाद उस पर संबंधित विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे सीएम योगी की मुहिम का एक हिस्सा माना जा रहा है, जो आज से सीएम हेल्पलाइन 1076 के रूप में इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो भ्रष्टाचार के लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कई क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, खुद इस बाबत नजर रख रहे हैं और हाल फिलहाल में कई अधिकारियों पर जो कार्रवाई की गई है प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर, वो भी इसका एक हिस्सा। लेकिन अब हेल्पलाइन नंबर जारी आज किया जाएगा, जिसका नंबर है 1076।